हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष वर्मा और आज मैं आप सबके सामने अपनी लिखी हुई एक कविता शेयर करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है जिंदगी क्या है। शीर्षक है जिंदगी क्या है, गौर फरमाइएगा। अक्सर ये सोचता हूँ जिंदगी क्या है, अक्सर ये सोचता हूँ जिंदगी क्या है। कोई कहता है पहेली है, पहेली है तो सुलझती क्यों नहीं है। कोई कहता है आग है, अरे आग है तो बुझती क्यों नहीं है। कोई कहता है समंदर है, समंदर है तो शांत क्यों नहीं है। क्यों हमेशा ये उलझी रहती है, क्यों हमेशा ये जलती रहती है, क्यों हमेशा इसमें एक तूफान उठता है। अक्सर ये सोचता हूँ ज़िंदगी क्या है, अक्सर ये सोचता हूँ ज़िंदगी क्या है। कोई कहता है ज़िंदगी गम है, गम है तो सिर्फ गरीबों के पास क्यों है। कोई कहता है ज़िंदगी खुशी है, अरे खुशी है तो सिर्फ अमीरों के पास क्यों है। कोई कहता है ज़िंदगी तो मौज और मस्ती का नाम है। अगर ये मौज और मस्ती का नाम है तो आवाज़ आई कहीं से, इसका मेरे घर में क्या काम है। इसका मेरे घर में क्या काम है, दो वक्त की रोटी मिल जाए तो सच मानो जीसस अल्लाह और राम है। वरना वरना मैंने पूछा, वरना क्या भाई, वरना ज़िंदगी तो एक बोझ है। क्या कहा, ज़िंदगी एक बोझ है। अरे ज़िंदगी अगर एक बोझ है तो उठती क्यों नहीं है, क्यों हमेशा इस बोझ तले हम दबते रहते हैं। अक्सर ये सोचता हूँ ज़िंदगी क्या है, अक्सर ये सोचता हूँ ज़िंदगी क्या है। क्यों बांट रखा है इसे हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, क्यों बांध रखा है इसे हमने एक सीमित दायरे में। कोई क्यों नहीं कहता कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है और कुछ नहीं, कि अक्सर ये सोचता हूँ ज़िंदगी क्या है। अगर आपके पास हो जवाब इसका, मुझे भी बता देना। भटक गया हूँ मैं शायद, मुझे राह दिखा देना, क्योंकि फिर मैं ये सोच रहा हूँ ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है।